एक भजन के लिए माइक ऑन करके एक बार पूरा निवेदन, जहां कहीं पर भी गुरुकुल के ब्रह्मचारी अथवा बाहर से आए हुए मेहमान है तो वो पंडाल में आ जाए। ओम ओम बहुत ही कम है। ओम 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 सरस्वती वाजे भीरवाजिनी वती यज्ञम वस्तु धिया वस्तु ये जिंदगी पथ है मंजिल की तरफ जाने का जिंदगी नाम है तूफानों से टकराने का मौत आराम से सो जाने की बदनामी है ये जिंदगी गीत है मस्ती से सदा गाने का तो भारत के लघु बंधन पर अविवेक अधर्म के बादल छाए छोड़ रहे थे निरंतर वैदिक धर्म सनातन नाम के जाए तो ईश कृपा से कराल परिस्थिति में योगी राज दयानंद आए संस्कृति के अगताप निवारण कारण आर्य समाज बनाए। मंच का संचालन कर रहे आदरणीय महोदय जगपाल जी शास्त्री जी सहारनपुर से हमारे मध्य आए वेदों के बहुत ही परवर मनीषी वेदों के प्रबुद्ध विद्वान आदरणीय आचार्य शिव कुमार जी शास्त्री जी और नागौर गेट आर्य समाज से हमारे मध्य आए हैं करमवीर जी शास्त्री, मथुरा से आए आर्य भद्रमता से आदरणीय हमारे बड़े भाई उदयवीर जी आर्य और इन्होंने पूरे भारतवर्ष में घूम घूम के वैदिक प्रचार किया है वेदों का नाद बजाया पूज्य बहन हमारी कल्याणी जी आर्या भजन उपदेशिका सभी हमारा उपदेशक परिवार हमारे पिता के समान आदरणीय जो कि इसकी गुरुकुल आर्यनगर कार्यकारिणी के हमारे प्रधान हैं आदरणीय राम कुमार जी आर्य और अपने आर्यनगर गुरुकुल के हमारे कुलपति आदरणीय सुरेश जी आचार्य उपस्थित सभी विभिन्न स्थानों से पधारे हुए धर्मनिष्ठ आर्य भक्त पुरुषों युवा बंधु वंदना पूजना पवित्र मातृ शक्ति राज के दिवाकर कुल के होनहार दीपक छोटे छोटे प्यारे अजीज बच्चों और आदरणीय हमारे पंडित देवदत्त जी शास्त्री जी उनका भी सम्मान आर्यनगर गुरुकुल तरफ से मैं कर रहा हूँ। आइए एक भजन स्वामीनारायण जी महाराज के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ जिस देवता ने आकर के वेदों का डंका पूरे आलम में बजा दिया और प्रत्येक व्यक्ति को वेदों का आधार दे दिया जो कि आर्य समाज का तीसरा नियम प्रदर्शित कर रहा है कि वेद सब सबके विद्याओं का पुस्तक है और वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आइए बहनों भाइयों स्वामी नारायण यदि इस भारतवर्ष की धरती के ऊपर चल करके नहीं आता तो हमें अंधविश्वास से दलदल से उस टीचर से कोई नहीं बचा सकता था। वो महर्षि स्वामी नारायण प्राणी मात्र के लिए नहीं अभी तो सारे संसार का उपकार करके चला गया है। हमारे पूज्य राम स्वरूप जी आचार्य वो बारंबार मुझे कहते आए कि भाई स्वामी नारायण जी महाराज का तो गीत जरूर सुनाया करो आप और वो उनके सानिध्य से इस गीत को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ बहनों भाइयों चर्चा कर रहा हूँ गीत के माध्यम से। योगी आया
आदि में दया थी जिसके अंत में आनंद था, आदि में दया थी जिसके अंत में आनंद था, नाम भी कितना प्यारा था, स्वयं पिया जहर हमको अमृत वो पिला गया, खुद पिया जहर हमको अमृत वो पिला गया, फिर भी ना हिम्मत हारा था, ईश्वर भक्ति, ईश्वर भक्ति कितनी शक्ति रखती जलती सारी, पहले जाना और वेद जान माना, जो कारण था कल्याण का वो तो देवता था सारे ही जहान का, स्वामी और ये सब तारण के अधिकारी, किसने पैरों की जूती बताया, किसने विष की बेल बताया, किसने नरक का दरवाजा बता दिया, मगर भाइयों और बहनों स्वामी राम जी महाराज क्या कहते, मनुस्मृति का श्लोक उठा करके लोगों के बीच रख दिया और क्या कहने लगे, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तानेस्तु पूजन्ते सर्वत्र फला क्रिया, अर्थात जहां पर नारी जाति की पूजा होती है, इन घरों में इनका आदर सत्कार किया जाता है, वहां पर तो भाइयों बहनों आर्य भक्त पुरुषों देवता रमण करते हैं, वहां पर तो देवता निवास करते हैं, और जहां पर इनका तिरस्कार होता है वहां पर तो सारी क्रियाएं निष्फल हो जा करती है। तभी तो चर्चा कर रहा था, आर्य में धर्म की यहाँ तीन दुखियों पर, आर्य में धर्म की यहाँ तीन दुखियों पर, जुल्म गुजारे जाते थे अनेको ही द्रौपदी सावित्री सतियों के, अनेको ही द्रौपदी सावित्री सतियों के, चीर उतारे जाते थे आठ वर्ष की विधवा रोती रो रो जीवन खोती, सोती बहनों को आंग जगाया और पूछे बताया संचार किया आयता, वो तो देवता था सारे ही जहान का, योगी आया था वेदों वाला, किया था उजिया का दुनिया में सच जान का, वो तो देवता था सारे ही जहान का, बस प्रेम की बहा कर गंगा मिला गया वो, प्रेम की बहा कर गंगा मिला गया वो, अपने जिगर के टुकड़ों को, हमारे पिता के समान है आदरणीय सुबेदार हरि सिंह जी सोर सोर पे हमारे भजन मंडली को देकर के सम्मान कर रहे हैं। हरि सिंह जी का मैं हृदय के गहरों से धन्यवाद करता हूँ। समय बड़ा अमूल्य है, बोलने वाले बच्चा काफी बैठे मंच पर। प्रेम की बहाकर गंगा मिला गया वो, अपने जिगर के टुकड़ों को, मुद्दस गुलामी को मिटा गया वो, भारत माँ के टुकड़ों को, देश दीवाना वो मरदाना बन गया, चल परवाना लाना चाहता था वो आ जाती, मर्यादावादी मैं डरता अपनी जान का, वो तो देवता था सारे ही जहान का, योगी आया था वेदों वाला, किया था उठियाना दुनिया में सच जान का।
को उपकार ऋषि सारे ही जहान का, करने को उपकार ऋषि सारे ही जहान का, डट कर चला अकेला था, चेला था ना चेले कोई संगी न साथी, चेला था ना चेले कोई संगी न साथी, वो ईश्वर एक सहेला था, विष जब खाया प्रभु गुण गाया, योगी वो मुस्काया प्रभु आया, मैं तेरी शरण में अभे राम भजन में मजा है ईश्वर दान का, वो तो देवता था सारे ही जहान का, योगी आया था वेदों वाला, किया था उजियाला दुनिया में सच जान का, वो तो देवता था सारे ही जहान। दीप कुमार जी आ रही अपनी पवित्र कमाई से 100 रुपए हमारी भजन मंडली को देकर के सम्मान कर रहे हैं, और इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। गिने जाए मुमकिन है सहरा के दर्रे, गिने जाए मुमकिन है सहरा के दर्रे, समुद्र के कतरे फलक के सितारे, दयानंद स्वामी मगर तेरे एहसान है संभव कि कैसे गिने जाए सारे। एक सदाचारी हितकारी सन्यासी ईश्वर दयानंद, दानों भाइयों सभी को तो जो है हरा करके चला गया और सभी को जो है रोशनी प्रदान के बीच करके चला गया। ये थोड़ी सी चर्चा इस गीत के माध्यम से मैंने आपके समक्ष रखी, आगामी कार्यक्रम बहुत बढ़िया आपके सामने आएगा। इति समय, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यपाल जी। श्री करुणा ओम प्रकाश जी आपको 100 रुपये दक्षिणा स्वरूप दे रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सीधे मजदूरों प्रदर्शक के पास मान सम्मान देने की बजाय आप मुझे दें, और कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात आपका नाम भी बोल दिया जाएगा और उनको दे भी दी जाएगी। बीच में थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है, शोभा जो है वो हो जाती है। अब मैं निवेदन करूँगा।